न्यूज दबा के निंदालो शान मसूद के पाकिस्तान टेस्ट टीम शाहीन आफरीदी के T20 टीम जो कप्तान मुकरर कर वियो आगे पीसीबी जो चवण है शान मसूद टेस्ट शाहीन आफरीदी T20 जो कप्तान होंद पीसीबी मूजिब वनडे कप्तान जो फैसलो बाद में थन्द कौमी टीम की समूरी कोचिंग स्टाफ के भी हटाया वियो आगे अहम खबर वास्ता शेयर क्यों पाया शान मसूद के पाकिस्तान टेस्ट टीम शाहीन आफरीदी के T20 टीम जो कप्तान मुकरर कर वियो आगे पीसीबी जो चवण है शान मसूद टेस्ट शाहीन आफरीदी T20 टीम जो कप्तान होंद पीसीबी मूजिब वनडे कप्तान जो फैसलो बाद में थन्द कौमी टीम के समूरे कोचिंग स्टाफ के भी हटाया वियो आगे शान मसूद के पाकिस्तान टेस्ट टीम शाहीन आफरीदी के T20 टीम जो कप्तान मुकरर कर वियो आगे पीसीबी जो चवण है शान मसूद टेस्ट शाहीन आफरीदी T20 टीम जो कप्तान होंद पीसीबी मूजिब वनडे कप्तान जो फैसलो बाद में थन्द कौमी टीम के समूरे कोचिंग स्टाफ के भी हटाया वियो आगे अहम खबर का वहां के अपडेट क्यों पाया शान मसूद के पाकिस्तान टीम टेस्ट टीम शाहीन आफरीदी के T20 टीम जो कप्तान मुकरर कर वियो आगे नजरी नवा के अपडेट क्यों पे अहम खबर के हवाले से शान मसूद के पाकिस्तान टेस्ट टीम शाहीन आफरीदी के T20 टीम जो कप्तान मुकरर कर वियो आगे पीसीबी मूजिब वनडे कप्तान जो फैसलो बाद में कर वो इन वक्त टेलीफोन लाइन मौजूद आगे स्पोर्ट्स एंकर पर्सन जमशेद राजभर जमशेद ये फैसलो जो कर वो है पीसीबी तरफा कें पे ऐसो इनके जी बिल्कुल यो फैसलो मुतवक्यो जी थोड़ी देर पैर असि गाल तो उन वक्त ही तक बाबर आजम बिल्कुल सही फैसलो किया वक्त कप्तानी छड़ने तो बाबर आजम की कयादत में पाकिस्तानी टीम मुसलसल नाकाम थी रही को वो इवेंट खेण में नाकाम रही तो बाबर आजम जो सही फैसलो हुई बाबर आजम पा भी जैसे इंस्टाग्राम से मैसेज किया उन बिल्कुल पानी पोस्ट में यो लिख तो ये सही वक्त है सही फैसलो किया कप्तानी छड़ने जो वही उन शाहीन शाह आफरीदी छो जो मुसलसल बैक टू बैक PSL में उन टीम लाहौर ब्रदर्स के चैंपियन बनाया तो ये ही खबरों शायद शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान के लिए T20 की क्यादत कह जैसे त शान मसूद जो नालो है वो भी एडो हैरान कुन है छो शान मसूद जो वे ऑफ टाकिंग है जड़े तरीके से प्लेयर है जड़े तरीके से मीडिया के डील कह है उनको भरपूर तरीके से नवो अची रो काफी ढीन का तो शायद शान मसूद ही सरफराज अहमद भी कैंडिडेट जरूर हो पर शान मसूद के टेस्ट टीम की कप्तानी जैसे शाहीन शाह आफरीदी के T20 की कप्तानी दिनी वे वनडे टीम जो ऐलान बाद में इन रखो वो है छो जो पाकिस्तान जो इंदर बी साल के अंदर एतर काफी वनडे मैचू आन फिलहाल तमाम घो गेप है वनडे मैच जमशेद कौमी टीम के समूरे कोचिंग स्टाफ के भी हटाया वो है इनके पारो जी बिल्कुल जैसे एडो वो इवेंट तुम हारिंद इन तरीके से जैसे तरीके से पाकिस्तान की टीम नंबर वन हुई जैसे वर्ल्ड कप खेल वही रही वर्ल्ड कप में जैसे नंबर वन टीम की परफॉर्मेंस एतरी मायूस थी हो तो उनका फैसला मुतवक हों कोचिंग स्टाफ तमाम तब्दील है कप्तान चेंज है चीफ सिलेक्टर कुछ ढी अग में घर भेड़ो थी वोी जान पान हु छदाय वो इन वक्त कप्तान कप्तानी छड़ने का फैसलो किया है तो ये फैसला मुतवक हुआ सही फैसला थे मोहम्मद हफीज जो नालो अचे तो मोहम्मद हफीज जो है उनके चार्ज डी वी उन गुड़ यूनिस खान बिहार पाकिस्तान का सीनियर प्लेयर है उन्होंने नालो जरूर अची रो है सो ऐसो यो है मुस्तबिल में जो टेस्ट सीरीज स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में अस कदें भी टेस्ट सीरीज खेल में कामयाब नयू थे तो नव कप्तान जिते शान मसूद हों शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम कड़े तरीके से खेले थी पैरों दफो अस ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से टेस्ट सीरीज खेल में कामयाब थी या नो जरूर चैलेंज हों पाकिस्तान के लिए जैसे पीसीबी अज बाबर आजम से मुलाकात कई तो बाबर आजम के उन्होंने तो टेस्ट टीम की कप्तानी रखो बाबर आजम सही फैसलो किया छो जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है उनमें टेस्ट सीरीज हमेशा पाकिस्तान के लिए दुखी थी है तो बाबर आजम सही फैसलो किया तो टेस्ट टीम की कप्तानी से दस्तबरदार थो शान मसूद के कप्तानी दिनी वे जी ठीक है जमशेद अपडेट करने लाइन।